देखें ये गीत रामा कैसे के सौजन्य से सुबेदार यादव और साथियों के साथ पेश हो रही है। भूमिका लिखा गया है मास्टर। जिंदगी शाह है, जिंदगी राह है, दाह है जिंदगी जो अनल में जला है। जिंदगी फूल है, जिंदगी सूल है, भूल है जिंदगी जो की मंजिल मिटा है। मनुष्यता से पाती कदर सर्वदा है, कभी करती जग में गुनाहों का आदर, कभी कद्र देती सभा बीच हंसकर बिछाती है राहों में फूलों का चादर। मास्टर साहब यहाँ एक ठेक गजल की लाइन लग गई। अरे जरा सोच कर मुझसे नजरें मिलाना, कि जरा सोच कर मुझसे नजरें मिलाना, कि मेरी ठोकरों में है सारा जमाना। जरा सोच कर मुझसे नजरें गजल की लाइन में आप लोग तो सुन ला गनवा के अंदर ऐसे भी बढ़िया बात कभी लिख दे। किसी पर किसी का भरोसा नहीं है, किसी पर किसी का भरोसा नहीं है, किसी पर किसी का भरोसा नहीं है। अरे किसी पर किसी का भरोसा नहीं है, कहाँ डूब जाए धर्म की ये नैया। किसी पर किसी का भरोसा नहीं है, किसी पर किसी का भरोसा नहीं है, कहाँ डूब जाए धर्म की ये नैया, किसी पर किसी का भरोसा नहीं है। किसी पर किसी का भरोसा नहीं है, कहाँ डूब जाए धर्म की ये नैया। सदा राम भज कर छिपा करके छुई, सदा राम भज कर छिपा करके छुई, सदा राम भज कर छिपा करके छुई। अरे सदा राम भज कर छिपा करके छुरी, कफन बेच दे तो कहा करी के भैया। कहानी की शुरुआत कह दहल गई। कहा किस वेश में क्या कर रहा इंसान, यहाँ पकड़ पाता नहीं शायद उसे भगवान। यहाँ कदम एक निकला तो दूसरे का कोई ठीक नहीं, समय की मार निकलते भी देती चीख नहीं। अमीनाबाद शहर लखनऊ में आता है, व्यस्त बाजार है VIP कहलाता है। ए भैया यही बाजार के बीच एक दिन एक थे औघर बाबा नाम के फकीर आ गइलन भैल का। वहीं के पार्क में एक औघर तांत्रिक आया है, आसुरी चाल से धुइया वहीं रमाया है। अ
अनेकों तंत्र की सिद्धि को साध रखा था, लिंग को लोहे के सिक्कड़ में बांध रखा था। पार्क में हजारों लोगों को वह जुटा लिया, पार्क में हजारों लोगों को वह जुटा लिया, लटका पेड़ में है गर्दन को लटका लिया। उघड़ बाबा अपने लिंगवा के सिक्कड़ में बांध के रखले रहलन। कबो कबो जब आदमी के भीड़ देखें तो नीचे मुड़ी करके गोड़ ऊपर करके पेड़ से लटक जाए, लोग कहें कि वाह आज तक तो लखनऊ शहर में ऐसा कोई साधु आया ही नहीं। साधु की दिन प्रतिदिन सुहरत मचने लगी। यहाँ दोहा का भाव कवि लिखलन। घड़ी भैरो नाथ वहां पे लीला जब दिखाया, जुटी भीड़ सभी के दिल में वह विश्वास दिलाया। लोग इतना विश्वास कर लगलन कि दीन दुखिया जेवने औरत के लड़का ना ही ओखन उहो बाबा के चौकट पे आके सर नवावे लगल। यहाँ इतने मास्टर तर्क बदल गई। आजकल के मार्केट में बड़ा तहलका मचलेवा गुरु ही तर्क कि हाथ में रुमाल ले के पोछा तारु गाल हो बाप काटी में, हो कि बाप काटी में काटा बाबा ले बाड़ू बाल हो बाप काटी में। गनवा के अंदर कवि जी लाइन लिखलन कि जुटल बजारिया में लो गया लुगैया चला देखिया कि चला देखिया ना बाबा अइले भैरव नाथ चला देखिया। हमन के शहर में इतना बड़ा औघड़ बाबा आइल हुअन, तू अब वहीं तक नहीं गईला। लोग कहें कि चला यार तनी आज दर्शन हो जा। जब भीड़ जुटे लगल केहू के बाबा देला धनावा रतनावा, इतने ना बजनी के बाबा देले गोदी में ललनावा, उनके चरनिया में उनके चरनिया में सिरवा झुका के चला देखिया, अरे रखिया सिरवा पे हाथ चला देखिया। बाबा का सोहरे सुन के थे सीला नाम के बला, बहुत दिना हो गई कितना चौरी पर गई, आज तक ओकर दामन गुलजार नहीं भइल है। आज सीला नाम की औरत चल देती है बाबा औघड़नाथ के दर पे। यहाँ तर्क विदेशिया का गेल मास्टर कि सीला देवी चली करे धरियावा सजाई के आरतिया, भैरव जी के चरणन में असिरवा झुकाई द
दी है ले, अरे दिल आशीर्वाद बाबा अब दे के पीर दिया। उठ जाओ बच्चा, उठ जाओ, क्या बात है बाबा, आज तेरी आंखों में आंसू कैसा? सीला कहे बाबा मोरी, अरे सुनी बारी गोदिया हो, अरे सालो न जाले सास न नदी कभी पतिया। बाबा बाबा मुझ पे दया कर दीजिए, मुझ पे दया कर दीजिए बाबा, तानों की बौछार से देखें शरीर सूख गई। अरे बाबा भैरव नाथ तब बदवल धीरा जावा हो, अरे हो जियार बेटी तोरी की समतिया। चिंता मत कर बेटी, आज तक किसी घर के दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। एक बार बाबा की बात को सुन करके उस अबला के चेहरे पर मुस्कान बिखर आई। तर्ज एक लगे मास्टर, मुँह प्यार करूं भरता भरता, मंगवाई देरे चोली रेशम सीला से ओघड़ बाबा खलन है बाबू। बोले बाबा उस बार एक फूल खिलई बे बगिया में, मगर शीला बेटी इसके लिए तुझे काम करना होगा। तुम ठीक सवेरे आ जाना, साथ कपूर भी ले आना, अरे बेटी कोनो ज्यादा सामान का जुगाड़ में तय मत करिए, बस थोड़ा सा कपूर अपने संगे ले लेगी। इसके बाद सबके दाता सरकार सरकार एक फूल खिलई दे बतिया में, ठीक सवेरे दूसरे दिन शीला औघड़ लगे आई है। गुस्सा है घर में लेकर के वह तांत्रिक मनोहर साई है। शीला जब दूसरे दिन आई लेन, शीला के लेके थे बाबा कोठरी में चल गई लन। सारा कपड़ा शीला का वह सारा कपड़ा शीला का वह उतार कर रखवाया है। बनी वेदिका पास में वह शीला को नग्न बैठाया है। बेटी आज कुछ काम करना है, तय सारा कपड़ा उतार दे, अल्लजो मत हमसे, हम संतन का शरीर पाके देश का दुख है ना दूर करके। हरे पगली, ये सारा कपड़ा तय उतार दे। लड़की शीला आज बाबू सारा कपड़ा उतार करके नग्न अवस्था में वेदी पर बैठ जाती है, तो पीठ पर उसके रखा हाथ धीरे धीरे सहलाया है, फिर कपड़ा पहना करके शीला को घर भिजवाया है। बाबा जब शीला के पीठी पर हाथ फेर लगलन बाबू, तो सोचा आप एक नग्न औरत जिकरे पीठी पर एक नौजवान मर्द हाथ सहलाई, ओकर दशा का हुई? एक अद्भुत आनंद के गोते में वो डुबकी लगाने लगी, मगर ओकरे आशा के विपरीत बाबा एक ठीक काम कह दलन, बेटी शीला अब कपड़ा पहन ले और घर चल जा,
दूसरे दिन तू आना तो देखा है बिरहा में टेरी का लाइन कितना बेजोड़ कभी लिखलन तुम सब बढ़ा के मास्टर। अरे मोरे राम विश्वासी अवघड़ बाबा हो गए ओ विश्वासी अवघड़ बाबा हो गए बाबा बड़े दयालु स्वरत मिली अकाशी विश्वासी अवघड़ बाबा हो गए कभी याद आ जाता है हम लोग जब छोटे छोटे थे आज वो शक्ति इस दुनिया में नहीं रही मगर याद के रूप में कभी ख्याल आ जाता है हमरे विराह के सम्राट बुल्लू गुरु एक थे लतीफा छोड़े टेरी का बाबा बा, बा। कि जिया जन जा सुना मारी गुजारिया अब ही तबारी तोरी कांची रे उमारिया पहुंचल लोग कलन की कारे सिला बाबा कहते हैं के दर्शन भई कलश की अरे बाप रे बाप ऐसन धरती पर पहली बार कौनो साधु के दर्शन भई बा अरे सच्चे दिल के बाबा जी है अब सारी बात बताई है फिर ठीक सवेरे जाना है आशा में मुस्काई है अरे दूसरे दिन वह सज धज कर बाबा। तब दूसरे दिन वह सज धज कर बाबा के सम्मुख आई है दिने ओघड़ बाबा जहिया बलौले रहलन आज बड़ी ही सज धज करके वो सीला चली है बाबा के दरबार में आज जब पहुंचल बाद तर्ज बदल गई भैया जिया गुरु क्या बात है गीत कलन हुए बाकी हरि मोरा कुंवरा कन्हैया कि हरि मोरा कुंवरा कन्हैया बजावेलन बसुरिया बुलाई से दूसरे दिन वो घड़ बाबा किए क्या कि दूसरे दिन यवा घड़ी पुजरिया कि दूसरे दिन अब घड़े पुजारिया सुकरिया के रूप दूसर का दिन घर बाबा कैलन का किसी ला के सगरो उतर ले बसनावा नंगी लटाए सहलावे लतना अरे काम की भइल बा नजरिया अरे कामुक भइल बा नजरिया सिकरिया करूप धरिया I'm
जब शिला पहुंचल और घर बाबा कलन आ गई बेटी, हाँ नाथ आ गई, तो ये काम कर चल कोठरी के अंदर। कोठरी में शिला पहुंची है, वही पहले दिन वाली रीत अपनाए, बेटी शिला हाथ पांव धो करके सारे कपड़े उतार दी। एक भी सूत अगर तेरे शरीर पर रहेगा तो समझ कि आज तेरी मनोकामना पूर्ण होने में कुछ देर लगेगी। कौन अबला नहीं चाहेगी कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। आज कितने दिनों से कितने बाबाओं के यहाँ बिचारी गई थी, सारा कपड़ा उतारवा दिए और जब नग्न हो जाती शिला बाबूजी लिटा दिए जमी पे बाबा। और लिटा करके जब बाबा धीरे धीरे सर से शुरू कैलन और नीचे तक हाथ सहलावे शुरू कैलन, शिला के अंग प्रत्यंग रोमांचित हो उठे। देखें बाबू कामुक हो जाने पर शरीर का लक्षण का होले, कवि जी पापट के अंदर लिखलन, अरे सहलावत में सियारल गई लिया शिला देहिया में, अरे सहलावत में सियारल गई लिया शिला देहिया में, और गाल के ऊपर छोले बाय ललाई शिला देहिया में, लक्षण का होली की अंगुरी तोरे दहिया झोरे अंग अंग में अंगड़ आई हो और झपक अखिया तरस जियर मन मतंग मुस्काई हो, सांस भी दलन सांस भी दले बार अवतार बढ़ाई शिला दहिया में, हक्का मुक्ता के लक्षण गई आई शिला दहिया में, इतने ना शिला इतनी कामुकता में आ गई, बाबा बस करो रहने दो, अब जरा मुझे और तड़पाने की कोशिश मत करो। यहाँ कवि जी तनि सा आल्हा का अंदाज, मैं का तनि आल्हा था गुरु, अरे देखा भैरव नाथ जब की शिला के हालती आए भैया, अपने तनवा कह दिया कपड़ा रे उतार, कह दलिंगवा के जब या जादी कह दिहल भैया, सिरवा से लिया पापी भूतवरे उतारा, जबो सिक्कण में बादल शेर के उघड़ बाबा खोलन, बुखाइल तो रहे न कही, अरे गुरु इतना चित्कार मार के उचलल, कवि जी के लिखा के पड़ल, दू चार दिन पापी पपावा कमाई न ये भैया, सिला के भी दिलावा में उमड़ल बचारा, सचया गया जावे गोरी निस दिन भैया, सोचते जदारी होई ललन रे हमारा, बाबा के आनंद मिलबे कई शिला के भी जब बाबू अद्भुत आनंद मिलल, तो रोज क्रम बना लेलन, बाबा बुलावे शिला जा और वही कपड़ा उतरवा के अपन धीरे धीरे सहलावत सहलावत अपन फुफकार मार के शेर के छोड़ दे। धीरे धीरे दो चार दिन जब हो ही गई तब भैल का तनी सा सदर में दे दा मास्टर, शिला और तांत्रिक कैले मन में पयनवा, एक दिन रतिए में हो गइल फरा, सुन के घबराइले सीबन सुन के घबराइले शिला देवी के सजनवा,
जाई करके खबर दल थाना मझार हो धीरे धीरे शीला के पति के मन में कुछ शंका समाई। आखिर आप ही लोग बतावेला कि तीन छिपाए न छिपे चोरी हत्या और घर बाबा से जाके सारी बात बतौलस की बाबा अब हमन के चोरी मालूम पड़त हो कि पकड़ गई। कलन की अरे पगली हमारे पास तो हो सकती है कि मैं दुनिया को भस्म कर डालूं। बाबा शीला के लेके फरार हो गईलन। शीला का पति लाचार होके जाके थाना में रिपोर्ट कैलन। आगे लिखल गई बाबा कि अगर भैरवनाथ बन गई छल करिया लेकर पापी भाग गया दुलही हम सुनके थाने धारी आई गई हरकत में सीरावा के दर्द भैली घटा न अपा अरे जनता का दिली में आक्रोश बढ़ी गई ला जनहित में आंदोलन भइला बढ़िया पुलिस के जवान दौड़ा धूप भारी कैला अरे सात दिन बाद पापी भइल गिरफ्तार हो थानेदार साहब जब एक अवघर तांत्रिक के बारे में ऐसी हरकत सुने अपने जवानों को लेकर के खोजबीन चालू कर दिए। भैया खोजत खोजत थानेदार साहब जब जाके उनके पकड़लन आज जब पकड़ के लोगन के सामने लिया के और मारे लगलन तब देखा यहाँ कवि जी आखिरी यानी खड़ी वाली लिखलन कि जुल्म के ऊपर उछल पड़ा हमारा ही रगारी पापी जाके पकड़ायल फैजाबाद नगरी जिया लाल जिया क्षेत्रवा में मिलल पापी अभिमनिया असंगवा में सीला भी मिला लाया भगिनिया गुरु बिहारी गुरु पत्तू जी हुए स्वर्ग के वासी बुल्लू गुरु की आशा में काशी पर घिरल उदासी विश्वासी और घर बाबा हो गए उदल सुबेदार के सदगुरु कटिया फांसी विश्वासी